हेलो स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट. वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर. न्यू चैप्टर है आपका 13 कलर्स. कलर्स मीन्स होता है बच्चों रंग. आवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ कलर्स. हमारा जो विश्व है वो कलर्स से भरा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एक्सेट्रा. एग्जाम्पल के रूप में बेटा बता सकते हैं, जैसे रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन, ऑरेंज, है ना. इन कलर्स का मीन्स आप सबको पता है. रेड मीन्स लाल होता है, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, ऑरेंज नारंगी. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द कलर ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट वी सी नाउ एंड देन. अब इस चैप्टर के अंदर हम जो है अलग अलग कलर के बारे में देखेंगे, है ना, और समझेंगे. ठीक है, अब नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्ट आपका जो है टीचर और गर्ल. इसमें टीचर और गर्ल आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है बच्चों. तो क्या है कि फर्स्ट वाला जो टीचर वाला है जो आपका क्वेश्चन बनेगा और ये वाला आपका आंसर बनेगा. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो. ठीक है, हाउ मेनी मतलब कितने. हाउ मेनी कितने बच्चों, एक साथ जब बोलते हैं हाउ मेनी तो इसका मतलब होता है कितने. कलर्स मतलब रंग, कलर्स रंग, और रेनबो मतलब क्या होता है, इंद्रधनुष. रेनबो इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं. तो आंसर देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो. इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं. ठीक है, रेनबो इंद्रधनुष, ठीक है ना. तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई. आसमान का रंग कैसा है. यहाँ पे बच्चों व्हाट मीन्स तो क्या होता है, बट यहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसा वर्ड आ जाएगा. ठीक है, और स्काई मतलब होता है आसमान. तो आसमान का रंग कैसा है, तो आंसर में द कलर्स ऑफ द स्काई इज ब्लू. आसमान का रंग नीला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्रास. ग्रास मीन्स क्या होता है बच्चों, घास. ग्रास मीन्स घास, ठीक है ना. तो घास का रंग कैसा है. घास का रंग सबको पता है ना, ग्रीन होता है ना. तो आंसर यहाँ पे द कलर्स ऑफ द ग्रास इज ग्रीन. घास का रंग हरा होता है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लैक बोर्ड, है ना. ब्लैक बोर्ड जो है वो ब्लैक बोर्ड तो आप समझ गए बच्चों, जहां पे आपको स्कूल के अंदर स्टडी कराई जाती है, मतलब ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा जाता है, है ना. तो ब्लैक बोर्ड का रंग कैसा है. ठीक है, वैसे तो ब्लैक बोर्ड के कलर्स बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं. ब्लैक कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, और ग्रीन कलर का भी होता है. ठीक है ना, एज इट इज यहाँ पे जनरल जो कलर बताया गया है इसमें ब्लैक कलर बताया गया है. ठीक है, द कलर ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज ब्लैक. ब्लैक बोर्ड का रंग काला है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट इज द कलर ऑफ योर शूज. ठीक है, योर मतलब आपके, शूज मतलब जूते, शूजेस जूतों. तो आपके जूतों का रंग कैसा है. ठीक है, तो आंसर में आएगा द कलर ऑफ माई शूज इज ब्लैक. मेरे जूतों का रंग काला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द कलर ऑफ योर टीथ व्हाइट. इज मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा. ठीक है बच्चों, इज मतलब क्या. तो क्या आपके दांतों का रंग सफेद है. तो आंसर में क्या लिखो, यस, हाँ, माय टीथ आर व्हाइट इन कलर. मेरे दांतों का रंग सफेद है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, है ना. मिल्क मीन्स दूध. दूध का रंग कैसा है. आंसर द कलर ऑफ मिल्क इज व्हाइट. दूध का रंग सफेद है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज योर फेवरेट कलर. आपका अपना मनपसंद कलर कौन सा है. विच मतलब बच्चों होगा कौन सा, है ना. विच मीन्स कौन सा. ठीक है, फेवरेट मतलब मनपसंद, और कलर रंग. तो आपके मनपसंद कलर कौन सा है. तो यहाँ पे बच्चों आंसर लिख रखा है ब्लू इज माय फेवरेट कलर. अब बच्चों सभी बच्चों का फेवरेट कलर जो होता है वो अलग अलग होता है. किसी का येलो होता है, किसी का रेड होता है,
है ना, किसी का पिंक होता है। तो यहाँ अपने कलर, फेवरेट कलर का नेम लिखना है। जैसे कि मैं दूसरा बोल रही हूँ, यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है बट मैंने लिखा येल्लो इज माई फेवरेट कलर, है ना, कि मेरा मनपसंद कलर पीला है, ठीक है। और यहाँ पे जो लिख रखा है ब्लू इज माई फेवरेट कलर, मेरा मनपसंद रंग नीला है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जिसको जैसा फेवरेट कलर है वो उस कलर का नाम यहाँ लिखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका 14 चैप्टर नेम ऑफ डेज। डेज मतलब दिन, नेम्स मतलब नाम। तो दिनों के नाम, दिनों के नाम को हम ब्रैकेट में क्या कहते हैं, अ वीक, एक सप्ताह, ठीक है ना। अब दिनों के नाम जो है हम देखते हैं, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, नेमली सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उनके नाम हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। संडे मीन्स क्या होता है, रविवार, मंडे सोमवार, ट्यूसडे, ट्यूसडे क्या होता है, मंगलवार, ठीक है, वेडनेसडे बुधवार, थर्सडे गुरुवार, फ्राइडे शुक्रवार एंड सैटरडे, सैटरडे मीन्स शनिवार। लेट अस लर्न अबाउट देम, लेट अस लर्न अबाउट देम, अब हम उनके बारे में सीखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। वीक मीन्स मैंने आपको बताया था ना, वीक मीन्स क्या होता है, सप्ताह, ठीक है बच्चों। और हाउ मेनी, कितने, तो एक सप्ताह में, अ वीक मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आपका आंसर होगा, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया और ये आपका आंसर, ठीक है। तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है ना। वीक मतलब सप्ताह, फर्स्ट डे मतलब पहला दिन, ठीक है, और विच मीन्स कौन सा, विच मीन्स कौन सा, कौन सा, ठीक है। तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, तो आंसर संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है, संडे मीन्स रविवार, ठीक है, तो सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, है ना, विच मीन्स कौन सा, लास्ट डे मतलब आखिरी दिन, है ना, लास्ट मतलब अंतिम दिन या आखिरी, 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 और डे मीन्स दिन, तो सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा होता है, तो आंसर आपका क्या होगा, सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, सप्ताह का आखिरी दिन शनिवार होता है, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डे इज अ स्कूल हॉलीडे, हॉलीडे मतलब छुट्टी रहती है आपके, है ना, तो कौन से दिन विद्यालय में आपकी छुट्टी रहती है, वीक में आपके कितने 7 डेज आते हैं, उसमें से कौन सा ऐसा दिन है जिसमें छुट्टी रहती है आपकी, तो इसकी हिंदी ऐसा होगी आपके, कौन से दिन विद्यालय बंद रहता है या छुट्टी रहती है, ठीक है। तो आंसर संडे इज द स्कूल हॉलीडे, रविवार के दिन स्कूल बंद रहता है या छुट्टी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट डू यू कॉल द प्रेजेंट डे, कॉल मतलब कहना या कहते हैं, व्हाट मतलब क्या, और प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, जो अभी दिन जो अपना चल रहा होता है ना, प्रेजेंट दिन, वो उसको कहते हैं हम वर्तमान, आज का दिन जो चल रहा है वो प्रेजेंट डे होता है ना, तो वर्तमान और डे मतलब दिन हो गया, तो आप वर्तमान दिन को क्या कहते हो, आंसर द प्रेजेंट डे इज कॉल्ड टूडे, है ना, वर्तमान दिन को आज कहते हैं, टूडे मीन्स क्या होता है, आज, ओके बच्चों, टूडे आज, तो वर्तमान दिन को आज कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल द नेक्स्ट डे, आप अगले दिन को क्या कहते हो, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, नेक्स्ट मतलब अगला, ठीक है ना, तो आप अगले दिन को क्या कहते हो, तो आंसर द नेक्स्ट डे इज कॉल्ड टुमारो, अगले दिन को कल कहते हैं, टुमारो मीन्स क्या होता है, कल, अच्छे से जानते हो आप, है ना, टुमारो मतलब कल, ठीक है,
कल। एक पिन ये फिर से काट के सही से लिखती हूँ मैं यहाँ पे, कल। ठीक है, कल, टुमारो, कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू कॉल द प्रीवियस डे। प्रीवियस मतलब होता है बच्चों पिछला, मतलब जो गया बीता हुआ कल जो अपना है। जैसे कि आज क्या है, वेडनेसडे है, तो प्रीवियस डे कौन सा हुआ आपका, ट्यूजडे हुआ है ना, तो प्रीवियस डे पिछला। ठीक है, तो व्हाट मतलब क्या, कॉल मतलब कहते हो, ठीक है ना, तो आप पिछले दिन को क्या कहते हो, तो आंसर होगा द प्रीवियस डे इज कॉल्ड यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है कल, और ये कल कौन सा है, बीता हुआ कल। कौन सा कल है ये, बीता हुआ कल। और टुमारो मतलब जो आने वाला कल। ठीक है बच्चों, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि दोनों में कल कल यूज आया है। तो टुमारो मीन्स होता है बच्चों आने वाला कल, और यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, प्रीवियस डे अपना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टी, विच डे कम्स आफ्टर मंडे। सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है ना, तो सोमवार के दिन कौन सा दिन आता है, अच्छे से पता है, मंगलवार ही आता है ना, तो अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे। सोमवार के बाद मंगलवार आता है। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, 13 और 14 कलर्स के नेम्स का बताए हैं, कलर्स और नेम ऑफ डेज। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस स्पोकन के अंदर ये जो आप होमवर्क तो करोगे ही, साथ में 5-5 क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे। ठीक है, स्टार्टिंग के ही 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्वेश्चन भी और आंसर भी, क्योंकि आपकी एक स्पोकन क्लास है तो आपको अच्छे से स्पीक करना आना चाहिए। तो आप ये क्वेश्चन 5 लर्न करोगे और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तब आपको आना चाहिए कम्युनिकेशन करना। ओके, थैंक यू फर्स्ट क्लास।